सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, टेक्निकल ज्ञान चैनल में मैं बिपिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जनरेटर के बारे में, यानी कि डीजल जनरेटर के डीजी के बारे में। बहुत सारे कमेंट आए थे कि डीजे के बारे में बताइए, तो आज हम कुछ बात करेंगे डीजी के बारे में और आपको बताऊंगा मैं कि ये डीजी में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं और इसका क्या क्या यूजेस है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। और ये मैंने जो वीडियो बनाई है कुछ नई कोशिश की है, तो आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो भी आप बता सकते हैं, तो इस तरह से वीडियो में बना के आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी दिख सकता है डीजल जनरेटर, और आगे आपसे बात करूं तो हो सकता है ऐसा भी हो, मगर जो पहले दिखाया था वो इंडस्ट्रियल है, ये भी इंडस्ट्रियल है मगर कई जगह पे यूज होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इंडियन, अपना देसी इसको बोल सकते हैं, ये भी एक डीजल जनरेटर है। और कुछ ऐसे छोटे भी डीजल जनरेटर आते हैं जो व्हीकल में हम लोग लगा के दूर जो रिमोट एरिया है वहाँ पे लेके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। पहले तो आपको मिल जाएगा वाटर टेम्परेचर सेंसर, यानी कि आपको दिखाएगा डिस्प्ले में टेम्परेचर क्या है, या फिर एनालॉग भी हो सकता है, एनालॉग में भी आपको दिखा सकता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। तो आगे हमको मिलता है कुछ सेंसर दूसरी टाइप के जो है एक्टिवर। एक्टिवर का काम ये होता है कि वो उसी तरह से डीजल देता है जिस तरह से उसकी स्पीड हम सेट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ऑयल प्रेशर सेंसर, यानी कि ऑयल का प्रेशर क्या है, वो भी इंजन है इसीलिए चेक करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ऑयल का प्रेशर क्या है। फिर उससे आगे हम बात करें तो एक कंट्रोल पैनल मिल जाता है जिसको हम कंट्रोलर बोल सकते हैं पूरा डीजी का। फिर स्पीड कंट्रोल यूनिट, जो स्पीड कंट्रोल यूनिट है वो ही डीजल को सप्लाई करता है कि कितना डीजल चाहिए। और एक एवीआर बोर्ड मिल जाता है। फिर उससे हम आगे बात करें तो स्पीड सेंसर भी हमें मिलता है, ठीक है। जब भी स्पीड सेंसर होगा वो कनेक्ट रहेगा स्पीड कंट्रोल यूनिट से, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर इसमें स्पीड कितनी है, और उसी स्पीड से ये डीजल को आगे भेजेगा। जितना ज्यादा डीजल भेज देगा उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, डीजल इंजन में ऐसा ही होता है। फिर आगे बात करते हैं, इसके अंदर आता है अल्टरनेटर। तो ये जो चीज है ये अल्टरनेटर का एक आप डायग्राम या फिर जो समझना है वो समझ लीजिए, मगर अल्टरनेटर एक्चुअल में ऐसा ही काम करता है, ठीक है। उसके दोनों साइड आप देखिए, एक नॉर्थ है एक साउथ पोल है, और दोनों ही मैग्नेटिक चुंबक है, ठीक है, वो अभी परमानेंट मैग्नेट उसको समझ लीजिए। जो बीच वाली चीज घूम रही है वो है एक रोटर, अल्टरनेटर का रोटर। और आपको जो ये अप डाउन एरो की दिख रही है वो है इलेक्ट्रॉन। जब भी ये घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फ्लो होंगे, इस तरह से क्यों फ्लो होंगे, क्योंकि ये है एसी करंट, और एसी करंट में आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो चीज आपको दिखाया है ये भी एक अल्टरनेटर है, मगर इसका रोटर है उसमें परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। जो बीच वाला घूम रहा है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो तीनों सप्लाई है आगे बढ़ रही है, ये तीनों फेज है। तो आप देख सकते हैं कि आर वाई बी ऊपर से जो ए बी सी हमने दिखाया है वो आर वाई बी फेज है, ठीक है, वहां से तीनों फेज की सप्लाई है, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये है इसका न्यूट्रल। तो ये इस तरह से जब घूमेगा उसके स्टेटर में वाइंडिंग है, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं है, रोटर है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ज्यादातर जनरेटर में इस तरह की वाइंडिंग आती है क्योंकि ये बहुत ही ईजी रहता है इसका कनेक्शन निकालना और सब कुछ, और ये थोड़ा मेंटेनेंस इसमें कम आता है, ठीक है। और बात करते हैं आगे, तो इस तरह का आपको शेप मिलेगा जब आपका पावर जनरेट होगा ना, जब फ्लो होगा आपके तीनों फेज, तो इस तरह से 120 डिग्री पे रहता है। जब ब्लू वाला का फ्रीक्वेंसी हाई जाएगा तो रेड वाला का डाउन हो जाएगा, जब इसी तरह से आर वाई बी फेज इसी फ्रीक्वेंसी में चलते। फिर बात करते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर सबसे जरूरी चीज है इसमें। तो अल्टरनेटर में देखिए ये वाला, इसमें रोटर घूम रहा है और रोटर में हमने वाइंडिंग की हुई है, हो सकता है इसी तरह का भी आपको देखने को मिल जाए अल्टरनेटर जनरेटर में। ये वाली जो चीज मैंने आपके दिखाई है वो भी एक अल्टरनेटर है, मगर बड़े बड़े अल्टरनेटर है जिसको हम बड़े बड़े स्टीम टर्बाइन से या फिर इसी तरह की चीज से घुमाते हैं।
तो आपने वीडियो देखा, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। और एक चीज जो है उसका मैंने आपको फुल फॉर्म नहीं समझाया कि वो चीज क्या काम करती है, उसमें मैंने एवीआर की बात की है। तो एवीआर का मतलब है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो हमारा डीजी से आउटपुट यानी कि डीजल जनरेटर से जो आउटपुट हमारा निकलता है वो आउटपुट में वोल्टेज अप डाउन ना हो उसका वो सर्किट बोर्ड ध्यान रखता है। तो ये है एवीआर, ठीक है। और बाकी की जो भी चीज आपको समझाई है, ये इस तरह के वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि इस तरह के मैं आपको वीडियो बनाऊं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.